Sorry. It's okay. जरा संभल के, क्या दिखाई नहीं देता तुम्हें? और यही बात अगर मैं तुमसे कहूं तो? टकराए तुम हो, मैं नहीं। अच्छा, तो बस यही समझ लो कि जानबूझकर टक्कर मारी है। बहुत मिस किया तुम्हें। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैंने मिस नहीं किया होगा तुम्हें? अच्छा, ये देखो जरा कैसी है, जबरदस्त है ना? मैं समझा कि स्टडीज के हवाले से कुछ दिखा रहे हो मुझे। एक ही बात है, ये भी तो एक सब्जेक्ट है ना। सोचा था फ्री होके मैं इससे मिलने जाऊंगा, मगर यहाँ आ गया। मैं वापस आ गया हूँ इस्तांबुल। चलो अब जाकर गाड़ी में बैठो। यार, अपनी गाड़ी को भी बहुत मिस किया मैंने। सामान रख दिया है तो आ जाओ। अब चला भी लो। यहां की बहुत याद आती थी मुझे, वहां तो पढ़ के थक गया मैं। हां, मानता हूं यार, तुमने बहुत होमवर्क किया है मेरा, मगर मैंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत। बिल्कुल। वैसे दादी जान ने तुम्हारे लिए प्लानिंग कर ली होगी अब तक। अच्छा, कैसे? मेरा ख्याल है वो तुम्हें चेयरमैन बनाने वाली है। हां तो क्यों नहीं बनाएगी, स्टडीज किस लिए की है अमेरिका जाके? ये बात भी है। अच्छा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। काफी टाइम बाद वापस आया हूं यार, बातें तो होती रहेंगी, पहले थोड़ा रिलैक्स होने दो। आयशा आंटी, कैसी हैं आप? महत मेरा बेटा, मेरा शहजादा। खुशामदीद। खुशामदीद बेटा। कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा मुझे ये तो बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत थक गया हूँ, काफी लंबा सफर था मेरा, ऊपर से आपके बनाए हुए खाने भी तो नसीब नहीं हुए। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे हाथ के खाने को भूल ही गए होगे। अब तो तुम यही हो, मेरे हाथ के खाने को बिल्कुल मिस नहीं करोगे। जरा यहाँ अपने बेटे को भी देखिए। देखें तो जरा, कैसा जेलस हो रहा है मुझसे। सामान ले आओ अंदर। लाओ करीम, ये बैग मुझे दे दो। नहीं, रहने दीजिए। तुम सुबह पूछ रही थी ना कि ये क्यों जाना चाहता है यहां से, ये वजह है इसकी।